खेलते वक्त जैसे ही बादल की गरज सुनाई दे, एक दूसरे से दूरी बनाते हुए ऐसे हाथ कान पर रखना है और पैरों को यूं मिलाते हुए उकड़ू बैठ जाना है, ताकि तेज आवाज से कान बच सके और जमीन पर ऐसे बैठने से बिजली गिरने का खतरा कम हो सके। ए बाऊजी, क्या हुआ? ये बच्चे हमारी नकल काहे कर रहे हैं? ये नकल नहीं है, बिजली जब बहुत करीब होती है तो ये उससे बचने का तरीका है। अब तुम सर मत खाओ, दरबे की तरफ भागो। जब भी बादल की गरज सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे, तो तुरंत कान पर हाथ रखकर और एड़ियों को जोड़कर बैठ जाएं और ध्यान रखें एड़ियां जुड़ी हुई हों, बिजली का खतरा ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों, तारों और पानी में ज्यादा होता है, इसलिए इन सब से दूर रहें। तैयारी में ही समझदारी।